मंथली एक्सपायरी का दिन दिन काफी एक्साइटिंग था मार्केट ने प्रॉपर ओपनिंग किया पूरे दिन में टोटल तीन बार मार्केट ने मौका दिया अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाने के बाद तीन बहुत ही ब्रिलियंट मौके थे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अब वो तीन मौकों में से मैंने सिर्फ एक मौका कैप्चर किया उसमें मेरा लगभग दिन की जो बोल सकते हैं ट्रेडर्स की द, जो दिहाड़ी है वो निकल के आज के दिन पे मैंने आज का दिन क्लोज कर दिया कल जो मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया था उसको मैंने कैसे मैनेज किया अब भी मैं एक ट्रेड के अंदर हूँ कौन सी वो ट्रेड है डिटेल में आपको बताता हूँ डिस्कस करते हैं आपका दिन कैसा रहा क्या आपने रैली कैप्चर किया डू लेट मी नो टेलीग्राम पे मैं टाइम टू तो टाइम चीजें लिख रहा था और मेरा जो आज का मेन जीरो का ट्रेड है उस पर उसके पे पहले टेलीग्राम पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अपने को सेलॉन वाइज प्लान करना है वहां पर अपडेट करने के बाद जाके मैंने जीरो वाले अकाउंट में ट्रेड लिया हुआ है तो डिटेल में चीजों को डिस्कस करना है इस वीडियो वीडियो के अंदर स्टार्ट ओके okay, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो कि मेरा पोजिशनल रेट था आपको अगर याद होगा मैंने कल के दिन पे मेरे अपस्टॉक्स वाले अकाउंट में बैंक निफ्टी का 180 एट्टी क्वान्टिटी मैं शॉर्ट करते हुए गया था फ्यूचर था अगस्त का यहाँ पर हमारा फ्यूचर था अब उसको मैंने लाइक like अभी तक मेरा ट्रेल स्टॉप हिट नहीं हुआ है तो उसको मैंने यहां पर क्या किया अगर देखोगे तीन बज के तेरह मिनट पर मैंने उसको एग्जिट किया और सेम टाइम पे मैंने रोल ओवर कर दिया यहां पर मैगनफ्टी का सितंबर का फ्यूचर दिस आर द प्राइजिस जिस हिसाब से अब मैंने लाइक जैसे मैंने रोल ओवर किया उसका मार्केट थोड़ा मेरे अगेंस्ट में जाने लगा तो उसमें मेरा सेवनटीन के आसपास करंटली एज पर एम टू एम चल रहा माइनस और यहां पर हमको दिख रहा है कि ये लाख के आसपास मैंने यहाँ पर अगस्ट वाले इसमें कॉन्ट्रैक्ट में मैंने यहाँ पर बुक किया हुआ है ठीक है तो इन एंड आउट एटी का कल सिक्स के आसपास प्रॉफिट चल रहा था और इन एंड आउट अभी एटी के आसपास अपना प्रॉफिट

सेकेंड अटैम्प हमको जो मार्केट ने दिया तीसरा मार्केट नीचे ही गया उसके बाद ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहां पर आया अब यहां पर भी ये तीसरा पॉइंट आ गया अपना कि जहां पर हम लोगों को पैसे बनने के चांस थे ऊपर के लेवल्स पर शॉर्ट और नीचे का स्टॉप लॉस अब आप पूछोगे कि एक्जैक्टली हमको कैसे पता चलेगा कि ऊपर का लेवल्स कौन सा है या क्या है तो देखो उस केस में हम लोग यहां पर टॉप टू बॉटम फिर बोना चाहिए यूज करते हैं हमेशा ध्यान रखो ये देखो ये टॉप Bottom, ये आपका थर्टी एट पॉइंट टू परसेंट रजेक्शन ट्वेंटी थ्री पर दिखा था तो भी प्लान हो सकता था छोटा स्टॉप बड़ा टारगेट अब इसने रिजेक्ट किया तो पर हम कुछ प्लान करते हुए छोटा स्टॉप लॉस और तो बड़ा टारगेट हमेशा ध्यान रखो जब भी मार्केट नीचे ऊपर जाएगा छोटा सा हम लोग यहां पर रिजेक्शन छोटा स्टॉप लॉस और ये वाला टारगेट तो यहाँ पर एंट्री छोटा स्टॉप लॉस और ये आपको आराम से वन शो टू के ऊपर मार्केट यहाँ पर देते हुए तीन मौके थे उसमें से मैंने एक कोई कैप्चर किया और उसको उससे पहले मैंने आपको टेलीग्राम पर ऊपर ऑलरेडी बता दिया टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिए हुआ फोटो फ्लैश हो रहा होगा आप चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो दैट इज एब्सोल्युटली फ्री अब हम बात करते हैं कि कल के लिए क्या दिख रहा है कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ आप पर आपको एनल बताऊं वो है ये निफ्टी को देखना यहां पर देखिए रीडर्स जो हम लोगों का नीचे वाला लेवल था विच वॉज नाइनटीन क्या लेवल था हमारा नाइनटीन अब यहां देखो नाइनटीन थाउजेंड टू फोर्टी की मैं बात करूं तो ये यहां पर भी ट्राई हुआ सस्टेन होने के लिए मतलब नीचे आया फटाक से ऊपर चला गया फिर यहां पर भी देखो 240 के नीचे आया फिर फटाक से ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं यहां पर जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिख रहे हैं तो ये चीज को ध्यान रखो कि ये 19 240 वाला जो फंडा है नीचे का बॉटम है वो इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मार्केट कितनी बार अटैम्प कर चुका है उसको अगर मैं यहां आप पर आपको अवली चार्ज के ऊपर बताऊं तो यहां देखो ये जो लेवल्स है ये एक अटैम्प दो अटैम्प अटैंप चौथा अटैम्पाचवे पे भी यहां पर बायर्स ने कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स पे सस्टेन करने की कोशिश की गई तो ये मतलब ये जो 19 200, अब 40 की बात नहीं करेंगे ब्रेक करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टारगेट एक आके बैठता है सपोर्ट लेवल है वो जो जोन हो गया ये बहुत ही लेवल का सपोर्ट लेवल मार्केट रिएक्ट कर रहा है कल अगर मार्केट अपना फ्लैट या गैप डाउन खुलता है ध्यान रखिए

ओके okay. अज्यूम करते हैं कि कल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या कल गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में हम यहां पर क्या कर सकते हो देखो उस केस में यहां पर हम टॉप टू बॉटम ये फिर बोना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है ये जो जोन है ये सिक्स पॉइंट एट वाला जोन है साथ में ये रिजेक्शन 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 ओके कल मार्केट फ्लैट खुला ये ऐसा करते हुए जा रहा है तो नाइनटीन थाउजेंड थ्री सेवेंटी जब तक मार्केट 19,370 के नीचे हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक अपने को सिर्फ और सिर्फ हर टॉप के ऊपर सेलिंग की आइडिया ढूंढनी है कि कैसा कोई रिजेक्शन लेवल दिखे तो हम छोटा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट का प्लान करें चाहे वो यहां से जाए चाहे वो यहां से जाए या यहां से देखो यहां तो क्लोज हुआ है दो लेवल्स निकल के आते हैं जहां पर हम प्लान कर सकते हैं नाइनटीन और दूसरा लेवल निकलता है नाइनटीन ये दोनों लेवल है दोनों ही केस में यहां पर 25 टू 30 पॉइंट्स के आसपास का आपने को यहां पर स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा देखो ध्यान से समझो इस पॉइंट पे लेट्स से अज्यूम करते हैं कि यहां पर हम लोगों का 19310 पे हम लोगों का मार्केट आया कल फ्लैट खुला है थोड़ा बहुत गैपअप खुला अब यहां पर हमने सेल किया थर्टी पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट करते हुए चला गया और आ गया ये कितना फोर्टी अब अगेन यहां पर फिबोनाची का लेवल है अपना पर फिफ्टी का अब हमने यहां पर अगेन प्लान किया थर्टी पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अब इस केस में क्या है इस केस में हम लोगों का स्टॉप लॉस अगेन ट्वेंटी के आसपास ज्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं है टारगेट क्या टारगेट है यहां पर आराम से हंड्रेड पॉइंट्स तो ये कितना हो गया ये हो गया अपना थ्री तो जो ये हम लोगों ने छोटा स्टॉप लॉस भी दिया है, पर पॉइंट का ये ट्रेड नाइन थ्री फोर्ट वाला वो कवर करते वो अपने को दे सकता तो है तो जजमेंटल नहीं बनना यहाँ पर जज नहीं करना इन चीजों के ऊपर कि कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा ये जो सर्टन लेवल्स है इसमें हमेशा सिर्फ प्लान ये करो कि छोटा सा अपना पर स्टॉप लॉस होना चाहिए उसके अगेंस्ट में एक बार गलत दो बार गलत तीन बार चलो दस में से यार पांच बार गलत चले जाते हैं हम लोग और पांच बार सही जाते हैं और आर आर ईशो वन नेशो टू पॉइंट फाइव या टू के आस पास ज्यादा रखते हो तो एट द एंड ऑफ द डे तो आप प्रॉफिटेबल ही निकलोगे तो बस आर आर ईशो को फोकस करो स्टॉप लॉसेज होते हैं तो वो आपको आइडियली ये भी चीज ध्यान रखो 19310 से 19340 इसमें अपने को क्वांटिटी कम रखनी है क्यों क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि ये बेस लेवल है जब तक 19240 लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं करेंगे निफ्टी के अंदर अगर लेट्स से ये ऊपर का लेवल जो हम लोगों ने डिस्कस किया 19370 वाला लेवल इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं कि का, उसके बाद हो जाएगा अपना का। ओके, तो ऐसे करते हुए आप बाय साइड भी देखते हो तो क्वांटिटी कम रखना क्यों कम रखना ब्रेकआउट आ गया तो बड़ी मोमेंटम तो दे सकते हो तो देखो ये अपर लेवल है ठीक है ये मैं बता देता हूं देखिए दिस इज द अपर लेवल दिस इज द लोअर लेवल ठीक है अब ये क्या है अगर यहाँ ब्रेकआउट देता है तो अगेन वो रेंज के अंदर है बॉस रेंज के अंदर है तो कहीं ना कहीं अपने मोमेंटम नहीं, नहीं मिलने वाला मोमेंटम कम मिलेगा जब ये रेंज के बाहर जाएगा मतलब तकरीबन उन्नीस टेसो के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करेगा फिर अपने को एक बड़ा ब्रेकआउट मेजर ब्रेकआउट देखेगा और जो ये रेंज काफी टाइम से चल रही है ये दस पंद्रह दिन से ही चल रही है तो उसको ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने नीचे की तरफ रिजेक्शन मिलते हुए अब उन्नीस टेसो को क्रॉस किया तो यहां पर हम फुल अगेन अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो यहाँ पर डिफीट हो चुके हैं अब यहाँ पर बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है फिर बाय ऑन बाये बाय ऑन ऑन बाय प्लान करते हुए बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर काम कर सकते हैं आई होप द पॉइंट इज क्लियर बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी को हम कैसे प्लान कर सकते हैं कल के लिए तो देखिए आ जाते हैं आगे हम लोग यहाँ पर अवली चार्ज के ऊपर कल पंद्रह मिनट के चार्ज के ऊपर हमने डिस्कस किया था ब्रेक डाउन और ये एक बार मैं पर आपको रफली बता देता हूं कि बॉस ये लेवल है ओके ये हम लोगों ने एक्चुअली ड्रॉ किया था ऐसा बॉटम से यहां से ड्रॉ किया था हमने एकदम यहां से ड्रॉ नहीं किया था हम लोगों ने

ये हम लोगों ने ट्रेन लाइन को यहां पर जोड़ दिया ओके ये हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया ट्रेन लाइन को और यहां पर हम क्या करेंगे ये टॉप से लेके रीसेंट टॉप से लेके रीसेंट बॉटम तक हम यहां पर करेंगे। अब यहां पर देखिए अपने को क्या करना है ये लेवल ये कौन सा लेवल है ये फोर्टी टू थर्टी वाला लेवल कल मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है लेवल्स के आसपास आता है तो अगेन यहां पर क्या है 38.2 परसेंट वाला लेवल है साथ में अपना फिबोनाची का सॉरी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेवल आके बैठता है तो यहां पर सिक्सटी पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में यहां पर आराम से हम लोग वन के ऊपर ही कैप्चर कर सकते हैं पॉइंट नंबर टू लेट से कल फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला तो उस केस में आप देखो ये जो सपोर्ट लेवल है जहां से बैंक निफ्टी ने लास्ट में एक मोमेंटम दिखाई है ये कौन सा लेवल है ये लेवल है फोर्टी अगर इसको ब्रेक करता है तो हम प्लान कर सकते हैं डायरेक्टली सेलिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है इसको ब्रेक किया फिर सेलोन डाइसाइस सेल 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 प्लान करते हो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा यहां पर फोर्टी बाकी का टारगेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा जैसे मार्केट मोमेंटम करता है ज्यादा बड़े टारगेट बात करने के सपने दिखाने का मेरा यहां पर कोई मकसद नहीं है ओके लेट से अब इन केस यहां से हम लोगों का मार्केट फ्लैट खुला या गैप अप खुला मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है तो ये लेवल जो है अपना 618 लेवल फोर्टी फोर वाला लेवल इसको क्रॉस कर देता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट दे देगा और फिर हम लोगों के टारगेट्स बैठते हैं 44630 और उसके बाद 44780 और उसके बाद लास्ट वाला टारगेट बैठता है 44910 होप द पॉइंट इज क्लियर करेंटली मार्केट जिस हिसाब से क्लोज हुआ है नीचे की तरफ क्लोज हुआ है retracement की तरफ गया है रिजेक्शन का अपने को वेट करना है रिजेक्शन देगा तो छोटे लॉस के साथ हम यहाँ पर वन शो टू का प्लान करेंगे case मार्केट यहां पर रिजेक्ट नहीं करता है या लेट से रिजेक्ट किया और अपने का स्टॉप लॉस लेके जाता है तो हम छोटे लॉस के साथ यहां पर निकल जाएंगे वेट करेंगे फिर रिजेक्शन ऊपर के लॉस पर दिखाते हैं फिर छोटे स्टॉप लॉस से प्लान करना है अपने लेट से ऊपर की तरफ जाता है तो दिस आर द ब्रेकआउट लेवल टारगेट वन टारगेट टू एंड टारगेट थ्री आई होप द पॉइंट इज क्लियर कंसेप्ट क्लियर है कल की तैयारी अपने को कैसे करनी है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग विसी द नेक्स्ट वीडियो